हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। लव जिहाद एक ऐसी बहस जो आजकल राजनीति से लेकर पूरे देश में छिड़ी हुई है, लेकिन सवाल उठता रहा है कि क्या वाकई में लव जिहाद है सवाल, और साथ ही साथ उसके जवाब के साथ हम आपके सामने आए हैं। लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। जाहिर है इस तरीके के कई मामले उत्तर प्रदेश में सामने आ चुके हैं, देश के कई और हिस्सों में सामने आ चुके हैं, लेकिन सवाल उठता है कि लव जिहाद को आखिर किन मंसूबों के तहत अंजाम दिया जा रहा है। सवाल यह भी है कि आखिर किस तरीके से इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया जाता है, और आखिर इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे कौन रहा है। एक और मामला सामने आया है, मामला हैदराबाद से जुड़ा है और जिसका पर्दाफाश हुआ है उत्तर प्रदेश में जाकर। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पीड़िता वो लड़की जो कहीं ना कहीं लव जिहाद का शिकार हुई है, जो खुद इस बात को चीख चीख कर बता रही है क्या कुछ उसके साथ हुआ है। तमाम मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं और बताते हैं कि वास्तव में यह पूरा मामला क्या है। मेरे साथ खास मेहमान मौजूद है, उदिता त्यागी साहब, उदिता त्यागी जी हैं, समाज सेविका हैं, मेरे साथ मौजूद है। पिंकी चौधरी हिंदू रक्षा दल की संयोजक मेरे साथ हैं, रिटायर्ड कैप्टन संजीव हैं, अध्यक्ष हैं हिंदू रक्षा दल की, और पीड़िता है और उनकी मां मेरे साथ इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जाहिर है अगर इस पूरे मामले की शुरुआत यहां पर की जाए, सबसे पहले तह में जाना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आखिर यह पूरा मामला क्या है। लव जिहाद जिसमें अक्सर इस बात का दावा किया जाता रहा है कि धर्मांतरण किया जाता है। जो पीड़िता है वो है हमारे साथ, मैं उन्हीं से शुरुआत करना चाहता हूं इस कार्यक्रम की, जिससे हमारे दर्शकों को आखिर पहले समझाया जा सके किस तरीके से उस लड़की के साथ क्या कुछ हुआ है। वो पूरा मामला आपसे बताएंगे और पीड़िता से भी और उनके खुद उसकी तरफ से ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से उसके सामने ये पूरा मामला सामने आया। हालांकि लगातार इस बात के दावे जरूर किए जाते रहे हैं और अभी तक भी कोई सबूत सामने नहीं आया है, ये बात भी कही जाती रही है। तमाम लोग उत्तर प्रदेश के अलावा अलग अलग जगहों से लड़कियां सामने आती रही हैं जिन्होंने कहा है कि उनके साथ लव जिहाद का मामला हुआ है, उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई है। सुदर्शन न्यूज में भी एक पीड़िता आई जिसकी कोशिश हमने की है पूरे मामले को उठाने की कि उसके साथ क्या कुछ हुआ है। पूरा मामला आपको बताएंगे। पीड़िता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, तमाम मेहमान हमारे साथ हैं, उनका परिचय आपसे कराएंगे। और सवाल यही उठ रहा है, कहीं ना कहीं उठाए भी जा रहे हैं कि क्या वास्तव में लव जिहाद है या नहीं। लोग लड़कियां कहीं ना कहीं सामने आती हैं, उन्हें कहा जाता है कि वो लव जिहाद का शिकार हुई हैं। लव जिहाद एक ऐसा शब्द जिसे कई बार कहा जाता है कि समझ में ही नहीं आता कि वास्तव में यह लव जिहाद है क्या। पूरा मामला आपको समझाते हैं और सबसे पहले बताते हैं कि वास्तव में लव जिहाद की यह साजिश कैसे रची जाती है। क्या है लव जिहाद? धार्मिक आतंकवाद का दूसरा नाम है लव जिहाद। सीमा पार से होती है इसके लिए फंडिंग। पाक जिहादी करते हैं लव जिहाद के लिए फंडिंग। मुस्लिम लड़कों के जरिए रची जाती है साजिश। हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाने की मुहिम, यहीं से शुरू होती है लव जिहाद की कहानी। मुस्लिम पहले अपने प्रेम जाल में हिंदू को फंसाता है। लड़की जब मुस्लिम लड़के के प्रेम जाल में फंस जाती है तब बात शादी की आती है। शादी के बाद धर्मांतरण। लव जिहाद की अजीबोगरीब कहानी है। हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ये लव जिहाद है क्या बला। लव जिहाद की पहली कड़ी मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की से शुरू होती है। मुस्लिम जिहादियों का एक ऐसा संगठन है जो लव जिहाद के लिए मुस्लिम लड़कों को तैयार करता है। इसके लिए उनको लाखों रुपए का लालच दिया जाता है। एक बार मान जाने पर उसकी ट्रेनिंग कराई जाती है। इस ट्रेनिंग में हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने के फंडे सिखाए जाते हैं। ट्रेनिंग में मुस्लिम लड़के को वो हर बात बताई जाती है जिससे वो हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा सके। एक मुस्लिम लड़का मेरे पीछे पड़ा, पहले वो मेरे पीछे पड़ा, उसने मुझे बताया नहीं शादीशुदा है वो। फिर ऐसे ही हम लोग का रिलेशन चलता गया। फिर एक दिन मुझे पता चल गया, डेढ़ महीना हो गया, तभी मैं उसके प्यार में इतनी पागल हो गई
फिर मैं इसके बिना रह नहीं पाई, हम उन्होंने शादी वादी कर लिया, उस शादी का बता दिया उसने, फिर शादी हो गई हमारी। इसके बाद में उसके साथ भाग के भी गई एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ता उसके साथ रही। उसके बाद मेरे माँ बाप मुझे पकड़ कर लेकर आए घर में। ट्रेनिंग के दौरान इन लड़कों को तकनीक की पूरी जानकारी दी जाती है। अच्छी तरह से ट्रेंड हो जाने के बाद इन मुस्लिम लड़कों को जेहाद के काम में लगाया जाता है। आम तौर पर इसके लिए गरीब हिंदू परिवार की लड़कियों को चुना जाता है। शुरुआत दोस्ती, फिर आर्थिक मदद या नौकरी से होती है। ये मुस्लिम लड़के देखने में भी काफी खूबसूरत होते हैं। लड़कियां उन्हें देखते ही उनके जाल में फंस जाती हैं और वो पहले उन पर खूब पैसा लुटाते हैं। जब नजदीकियां बढ़ जाती हैं तब उन्हें अपने प्रेम में फंसाना शुरू कर देते हैं। जब लड़की बुरी तरह से उनके प्रेम जाल में फंस जाती है, सबसे पहले ये जेहादी उस हिंदू लड़की का शारीरिक शोषण करते हैं। इस दौरान उसकी वीडियो क्लिपिंग या MMS भी तैयार कर लिए जाते हैं, ताकि बदनामी के डर से उसे मौका पड़ने पर उसे धमकाया जा सके। आम तौर पर उस समय तक लड़की को ना तो लड़के के असली नाम का पता होता है और ना ही उसके सही धर्म का। ये लड़के लड़कियों को उस हद तक ले जाते हैं कि लड़की उनके लिए जीने मरने की बातें करने लगती हैं। उसके बाद बात शादी तक पहुंच जाती है। शादी के समय लड़की को पता चलता है कि लड़का मुस्लिम है। उस समय लड़की उसे छोड़कर जा भी नहीं सकती है। शादी के बाद धर्मांतरण की बारी आती है। धर्मांतरण के बाद ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की कोशिश होती है, ताकि मुस्लिम आबादी बढ़ाई जा सके। लव जेहाद का काम भी कई तरीके से चल रहा है। कुछ लड़के तो केवल शादी करके एक हिंदू लड़की को मुस्लिम बनाकर ही रुक जाते हैं। कुछ तो ज्यादा बड़े जेहादी होते हैं, वो लड़की का इस्तेमाल करने के बाद उसे मुस्लिम देशों में भी भिजवा देते हैं और वहां से उसके बदले में मोटा पैसा वसूलते हैं। सुदर्शन न्यूज के लिए धीरज कुमार की रिपोर्ट। तो ये वो पूरी प्लानिंग की जाती है लव जेहाद के मामले में। इस तरीके से एक लड़की को बहला फुसलाकर उसे शिकार बनाया जाता है, उसके साथ शादी की जाती है और जबरदस्ती धर्मांतरण कराने की कोशिश की जाती है। ऐसा ही मामला एक सामने आया है। मेरे साथ स्टूडियो में पीड़िता मौजूद हैं। बदला हुआ नाम हमने उनको यहां पर दिया है, उनका नाम हम संबोधित नहीं कर सकते। मैं यहां पर तनीषा उन्हें कहना चाहूंगा, और उदिता त्यागी जी हैं समाजसेवी, पिंकी चौधरी जी हिंदू रक्षा दल की संयोजक मेरे साथ हैं, और रिटायर्ड कैप्टन संजीव जी हैं अध्यक्ष हिंदू रक्षा दल के। तनीषा, मैं आपको इस नाम से संबोधित कर रहा हूं। तनीषा, सबसे पहले जिस तरीके से हमने यहां पर रिपोर्ट दिखाई है, मैं ये जानना चाहता हूं जिस तरीके से यहां पर बताया गया है कि यही पूरी एक प्लानिंग की जाती है, और आपके साथ क्या हुआ, शुरुआत कैसे हुई, अगर आप बताना चाहें तो। बोलो तनीषा। बोलो बोलो। बिल्कुल आप घबराएं नहीं, बिल्कुल एक नॉर्मल माहौल की तरह समझकर आप बता सकती हैं। ये कोशिश है हमारी जिससे जो आप पर बीती है वो किसी और को इसका शिकार ना होना पड़े, और आप अगर अपनी कहानी दुनिया के सामने रखेंगी तो समझा जा सकता है और ज्यादा जिंदगियां इस तरीके की परेशानियों से बच सकती हैं, ऐसे दरिंदों के शिकार होने से बच सकती हैं। हिम्मत आपको दिखानी होगी, कोशिश आपको जरूर करनी होगी। आपकी पहचान, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आपकी पहचान यहां पर गुप्त रखी जाए, इसीलिए मैं आपका नाम यहां पर परिवर्तित करके उच्चारण कर रहा हूं। आपको तनीषा के नाम से मैं यहां पर उच्चारित करना चाहता हूं, और लेकिन अगर शुरुआत यहां पर की जाए इस पूरे मामले की, जाहिर है एक लड़की के मन पर, जहन पर किस तरीके की छाप इस तरीके के मामलों से हो सकती है, यह समझा जा सकता है। तनीषा की हम हालत यहां पर समझ सकते हैं। हालांकि पूरी करीब 4 साल पहले मेरी शादी राज नाम के आदमी से हुई थी जी। हैदराबाद में वो मुझे मिला था। वहां पे इसने मुझसे मतलब कि बहुत ऐसे इमोशनली बहुत ज्यादा मुझे ब्लैकमेल किया था उसने, कि वो अनाथ है, उसके पास कोई नहीं है, तो जिसकी वजह से मैंने उससे शादी कर ली थी। मेरी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया,
फिर उसके बाद एक डेढ़ साल के बाद आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी हमारी, जिसके वजह से मेरे मम्मी पापा, हमने कॉल किया तो मेरे मम्मी पापा ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, हमें एक्सेप्ट कर लिया था। तो फिर घर खरीदने के लिए मेरी फैमिली ने 10 लाख रुपए दे दिया और कुछ ज्वेलरी वगैरह थी जिसे मैंने बेच के, तो सारे सामान को बेच के करीब 16-17 लाख रुपए इकट्ठे करके हमने घर एक खरीदा। आपको कहा, तनिषा आपको कहा था कि आप घर खरीदिए या घर से पैसा लेकर आइए? हाँ, कुछ इस तरीके का दबाव आप पर बनाया गया था? हाँ, मुझ पर बहुत ज्यादा दबाव बनाया गया था कि बोल रहा था कि अभी कोई काम मेरा नहीं चल रहा है, तो मनीषा कोई नहीं, आप अपना बोलती रहिए। मुझे ज्यादा फोर्स किया गया था कि मैं अपनी फैमिली से पैसे लूं जिसके वजह से घर मिल जाएगा हम लोग को रहने के लिए, तो इसी वजह से मैंने घर पे बोल दिया अपने मम्मी पापा से, तो सबने मुझे कुछ पैसे दे दिए थे, घर ले लिया हमने। फिर उसके बाद रजिस्ट्री कराने की बात आई तो मैंने बोला था कि हम दोनों के नाम से रजिस्ट्री हो जाएगी तो अच्छा रहेगा, लेकिन इसने कोर्ट में रजिस्ट्री कराने के लिए गया तो राज नाम नहीं था इसका, इसका नाम रोजुद्दीन, एक मुसलमान। आप, जब आपको शुरुआत में नाम बताया तो क्या नाम बताया? शुरुआत में मुझे राज तिवारी बताया था और एक अनाथ लड़का। अच्छा, हाँ, फिर रजिस्ट्री के बाद रोजुद्दीन इसने बताया। रजिस्ट्री उस वक्त आपने जो फ्लैट लिया था उसकी हुई? हाँ, उसकी रजिस्ट्री हुई, उसने अपने ही नाम पे कराया, सिर्फ बोला कि इस फ्लैट में कोई प्रॉब्लम है तेरे नाम पे बाद में करा दूंगा। तो उसमें रोजुद्दीन आया, फिर उसे कोर्ट में ही मैंने सवाल किया तो उसने घर पे आ गया मुझे लेके। फिर उसके बाद उसकी फैमिली वगैरह, इसने सबको बुला लिया घर, मेरे घर पे। तो वहाँ पे इसकी फैमिली आई, बीबी और 5 बच्चे और इसकी माँ और इसका एक दोस्त है जिसका नाम दिलावर है, और ये रोजुद्दीन ये घर पे आए और फिर बोल रहे थे कि ये सब जो भी सब हम कर रहे थे सिर्फ तुम्हारे माँ बाप की संपत्ति लूटने के लिए कर रहे थे और तुम हिंदुओं को सबक सिखा सके, हिंदू के लड़कियों को। और फिर उसके बाद उसने, उसकी बीबी रोजुद्दीन के साथ थी और फिर उसने बोला कि अगर जाति परिवर्तन कर सकती है, हिंदू से मुसलमान बन सकती हो तो मैं तुम्हें रखता हूँ, नहीं तो यहाँ से भगा दूंगा इस घर में से, क्योंकि ये घर हमारा है तुम्हारा नहीं। तो जिसके वजह से मैं जाति परिवर्तन नहीं की, मैं हिंदू थी और हिंदू ही बनी रही। उसके भी उसका विरोध भी करना चाहिए, बहुत बार पुलिस की भी मदद ली लेकिन पुलिस वालों ने एक भी नहीं सुनी। इसे घर से तो लेके जाते थे लेकिन चौकी तक जाते जाते इसे छोड़ के भेज देते थे। हर एक दिन आए दिन ये तमाशा करते रहता है, घर में घुस के अपने दोस्तों के साथ गोली चलाता है, जो गोली मेरे पैर में भी लग चुकी है एक। और फिर वकीलों से भी मिलके अपने, मेरा जो केस चालू था वकीलों से मिलके उसे खत्म करा देता है, जो कि वकील हमारा केस रीओपन भी नहीं कर रहे हैं। इसके लिए बहुत परेशानी होती है। ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से एक लड़की को टॉर्चर किया जा रहा है और सिर्फ इसलिए कि वो धर्मांतरण करे और उसका धर्म परिवर्तन हो, और उसके जो घर वालों की, जिस तरीके से फ्लैट की यहां पर बात तनिषा कर रही हैं कि उनके घर वालों की संपत्ति हड़पने की कोशिश की गई है, और साथ ही साथ एक धर्म विशेष की यह कोशिश रही कि दूसरे धर्म की लड़की का धर्म परिवर्तन यहां पर करवा जा सके। यहां पर तनिषा जिस तरीके से पूरी की पूरी अपनी कहानी बताई है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं और आपको समझाते हैं कि आखिर तनिषा के साथ क्या कुछ हुआ था। लव जिहाद का एक और जीता जागता सबूत हैदराबाद में रची साजिश का यूपी में हुआ पर्दाफाश। आखिर कब तक चलेगा ये जिहाद का घिनौना खेल? कब तक होती रहेंगी हिंदू लड़कियां लव जिहाद का शिकार? केरल, कर्नाटक, यूपी, रांची और अब हैदराबाद। जैसे जैसे लव जिहाद एक राज्य से दूसरे राज्य तक अपनी जड़ें फैलाता जा रहा है, वैसे वैसे मासूम जिंदगियां जिहादी खेल में फंसती जा रही हैं, और हर जिंदगी के साथ धर्मांतरण की ये कड़ी लंबी होती जा रही है। लव जिहाद का एक और जीता जागता सबूत तब सामने आया जब इस महिला ने सुदर्शन न्यूज को अपनी दिल दहला देने वाली आप बीती सुनाई। महिला ने बताया कि उसकी जिंदगी 4 साल पहले तब बर्बादी के रास्ते पर चल दी जब उसकी मुलाकात राज तिवारी से हुई।
जिसका असली नाम महिला को लंबे समय बाद पता चला, जिसके बाद एक एक करके इस जिहादी नुमाइंदे के चेहरे से झूठ की परत उतरती चली गई। हैदराबाद से शुरू हुई इस कहानी का अंत यूपी में आकर हुआ। महिला जालना की रहने वाली है और 4 साल पहले अपने पिता के साथ हैदराबाद में आई थी। हैदराबाद में जहां महिला और उनके पिता रहते थे, वहीं पड़ोस के मकान में राज तिवारी भी रहता था। राज ने महिला से वहीं से नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया। हर वक्त वो महिला से बात करने की ताक में लगा रहता था। लाख कोशिश के बाद भी जब उसे कामयाबी नहीं मिली तो वो अपने दोस्त की बीवी का सहारा लिया। राज का दोस्त एक मुसलमान था, लेकिन उसकी पत्नी एक हिंदू थी, जिसने शादी के बाद अपना धर्म बदलकर मुस्लिम धर्म अपना लिया था। राज के दोस्त की पत्नी ने जब महिला को राज से बात करने के लिए कहा तो महिला ने मना कर दिया। इसके बाद राज ने महिला का फोन नंबर लिया और फोन पर उससे नजदीकियां बनाने की कोशिश करने लगा। महिला के विरोध करने पर वो उसे सामने जाकर परेशान करने लगा, जिस पर रास्ते में खासा हंगामा भी हुआ। जब सारे हथियार कमजोर पड़ते दिखे तो राज ने उसे भावनात्मक तौर से महिला पर हमले शुरू किए। राज के दोस्त और उसकी पत्नी ने महिला को कहा कि तुम राज को अपना लो, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। महिला बातों में फंसती चली गई और यहीं से शुरुआत हुई इस धर्मांतरण के खेल की। जब महिला और राज के रिश्तों का पता महिला के परिवार वालों को चला तो वे उसे छोड़कर चले गए। परिवार वालों के रूठने के बाद महिला और राज ने शादी कर ली, जिसके बाद वो दोनों हैदराबाद से यूपी आ गए। कुछ समय बीत जाने के बाद जब प्रेग्नेंट हो गई, तब इस जिहादी गिद्ध ने उसे नोचना शुरू कर दिया और उस पर दबाव बनाने लगा कि वो अपने घर वालों से पैसा मंगवाए। घर वालों को लगा कि बेटी आर्थिक तंगी से गुजर रही है, तो माँ ने शालीमार गार्डन में उन्हें एक फ्लैट दिलाने का फैसला किया। जब फ्लैट की रजिस्ट्री का समय आया तो राज तिवारी का असली चेहरा सामने आया। पीड़िता ने कहा कि फ्लैट को दोनों के नाम पर लेते हैं, पर राज ने मासूम महिला को पहला फुसला कर फ्लैट की रजिस्ट्री अपने ही नाम पर कराने की बात कही। जब रजिस्ट्री हुई, जिसे देखकर महिला हैरान रह गई, उस वक्त उसे पता चला कि उस जिहादी नुमाइंदे का नाम राज तिवारी नहीं रोजुद्दीन है। महिला के पैरों की जमीन उस वक्त खिसक गई जब उसे पता चला कि इस दरिंदे की एक माँ, एक पत्नी और 5 बच्चे भी हैं, जो ये भी जानते थे कि रोजुद्दीन ने महिला के साथ क्या किया। इसके बाद महिला पर दबाव बनाया गया कि या तो वो इस्लाम कबूल ले या फिर इस फ्लैट से चली जाए। महिला अब सुदर्शन न्यूज के माध्यम से अपने सम्मान को वापस पाना चाहती है। सुदर्शन न्यूज ने लव जेहाद से जुड़े मुद्दों को पहले भी उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये वो पूरी कहानी है तनीषा की, किस तरीके से उसे शिकार बनाया गया और किस तरीके से उसकी संपत्ति और उसके धर्म परिवर्तन करने का उस पर दबाव बना गया। वहीं अगर बात की जाए, जिस वक्त सुदर्शन न्यूज से तनीषा ने संपर्क किया था, सुदर्शन न्यूज ने जानना चाहा था कि आखिर किस तरीके से वो इस पूरे मामले के अंदर आई और किस तरीके से उसे लव जिहाद का शिकार बनाया गया, क्या कुछ कहा था उस वक्त तनीषा ने, आइए वो सुन लेते हैं। धर्म परिवर्तन का मामला आ रहा है, आप आरोप लगा रहे हैं रोजुद्दीन पे, ये पूरी बात क्या है? ये राज तिवारी नाम का, राज तिवारी बनके मुझसे मिला था करीब 4 साल पहले, फिर इसकी मुझसे शादी कर ली। उसके बाद जो है, शादी हिंदू धर्म के अनुसार हुई थी या मुस्लिम? हिंदू धर्म से शादी हुई थी, क्योंकि वो भी हिंदू था, उसका नाम राज तिवारी था, मैं भी हिंदू हूँ, तो शादी हिंदू धर्म से मंदिर में हुई हमारी दोनों के। 1-2 साल के बाद हमारी कुछ स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, जिसके वजह से मैंने अपने परिवार की मदद ली।
तो इस घर के लिए पैसे दिया मेरे परिवार ने और कुछ मेरी ज्वेलरी वगैरह थी उसे हमने बेच के कुछ इस घर को खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा किए। फिर धोखे से उसने अपने नाम पे रजिस्ट्री करा लिया और लेकिन नाम इसका राज तिवारी से नहीं रोजुद्दीन से हुई है रजिस्ट्री। तो समझ में नहीं आया कि रोजुद्दीन है कौन। तो फिर पता चला मुझे कि बोल रहा है आके कि रोजुद्दीन मैं ही हूँ, मेरे पास बीबी है, पांच बच्चे हैं मेरे। ये सब सुनने के बाद कि उसके पांच बच्चे हैं और शादी हो चुकी है और मुसलमान है, फिर आपने मतलब क्या किया, क्या कदम उठाया? मैंने उसका विरोध किया कि ये सब हिंदू बनने का तमाशा और शादी किया, फिर मेरे परिवार से पैसे वगैरह लिया, धोखाधड़ी किया, ये सब इसके खिलाफ मैंने विरोध किया। तो उसने उसकी फैमिली और वो सब यहाँ पे आए हैं, काफी लड़ाई वगैरह किए हैं जिसके वजह से उसने मारपीट भी की है, गोली भी चलाई है यहाँ पे। इसके परिवार भी बीवी बच्चे सब इसके साथ थे, सब बोलते थे कि ये सब रोजुद्दीन जो भी कर रहा है इसमें उसके पूरे परिवार का साथ है और उसका एक दोस्त है दिलावर, उसका भी पूरा हाथ है। वो धर्म परिवर्तन के लिए आप पर दबाव डालता था? बहुत ज्यादा उसने धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालता है। वो बोलता है कि ये तू मुसलमान बन तो मैं तुझे रख सकता हूँ, अगर हिंदू हिंदू ही रहेगी तो फिर मैं तुझे मार डालूंगा जान से, लेकिन बीबी नहीं बनाऊंगा अपना, क्योंकि ये रोजुद्दीन बहुत ज्यादा अपने दोस्तों के साथ आतंक फैला रखा है। इसमें पुलिस भी मेरी कोई मदद नहीं कर पा रही है। अब आगे क्या देखती हैं, आगे जिंदगी में क्या सोचती हैं, क्या करना है? इस रोजुद्दीन नाम के इंसान को सबक सिखा सकूं ताकि मुझ जैसे बाकी बहनों की मैं मदद कर सकूं, इसलिए मैं आपके द्वारा ये सब सूचना पहुंचा रही हूं। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी दुविधा में है, जिंदगी में आगे कुछ नजर नहीं आ रहा है, बस एक लक्ष्य है कि उसको सजा मिले जो इसके साथ हुआ है वो और किसी के साथ ना हो। विकास सिंह डागर, सुदर्शन न्यूज, गाजियाबाद। तनिषा ने सुदर्शन न्यूज से संपर्क किया था और हमने कोशिश की कि कम से कम तनिषा की यहां पर मदद की जा सके और वो तमाम लोग या वो तमाम लड़कियां जो लव जिहाद का शिकार हो सकती हैं उन्हें कम से कम इस पूरे मामले से या इस तरीके की घटनाओं से बचाया जा सके। तनिषा, जाहिर है काफी मुश्किल वक्त है आपके लिए और समझा जा सकता है क्या भावनात्मक रूप से भी और कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी आपने किस तरीके की प्रताड़नाएं कहीं ना कहीं सही हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि वो अपना नाम पहले राज तिवारी बता रहा था, फिर उसने उसका अपना नाम रोजुद्दीन बताया, फिर आप लोगों की शादी भी हुई हिंदू रीति रिवाज से, आप बता रही हैं आपकी शादी हुई थी, आपके परिवार वालों ने शुरुआत में नकार दिया था आपको जी, फिर आप लोगों ने जब वापस अपने परिवार से संपर्क किया आपने, तो आपके परिवार वालों का क्या रिएक्शन था? परिवार वालों का रिएक्शन तो थोड़ा बहुत गुस्से में थे, मम्मी पापा दोनों लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे, एक्सेप्ट करने की हालत में नहीं थे, लेकिन इन लोगों ने इसलिए एक्सेप्ट कर लिया कि मैं इनकी अकेली बेटी हूँ और कोई बेटी नहीं है, इसके वजह से सारी गलतियां माफ करके मम्मी पापा ने एक्सेप्ट कर लिया। उस टाइम तक आपको यही पता था कि वो राज तिवारी है? उस टाइम तक यही पता था कि ये राज तिवारी है। और उसके बाद जब संपत्ति के बारे में बात आई कि आप कुछ पैसा लेकर आइए, उस वक्त भी राज तिवारी के बारे में ही आपको पता था? हाँ। और आपने अपने परिवार को राज तिवारी उसका नाम बताया? हाँ, मुझे भी राज तिवारी पता था। बिल्कुल, तनिषा की माँ भी मेरे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ माजी, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया था, आपको पता चला कि आपकी जो बेटी है वो एक शख्स से प्यार करती है, उसे शादी करना चाहती, आखिर शुरुआत में जिस तरीके का पूरा मामला सामने आया था उसके बाद आप लोगों ने एक्सेप्ट किया सिर्फ इसलिए कि वो एक हिंदू है, और उसके बाद जब आपके सामने ये पूरा मामला सामने आया, आप लोगों को क्या लगा? हम लोग को ऐसा लगा कि मुसलमान है, मुसलमान से शादी की है, जब मुसलमान हमको मालूम, मैं तो सोच रही हूँ कि ऐसा मुसलमान इस दुनिया में नहीं रहे तो अच्छा है, मैं तो यही कहूंगी। जिस वक्त ये पैसे वगैरह की बात सामने आ रही थी, आप लोगों को क्या कभी कोई भनक नहीं लगी कि ऐसा कुछ चल रहा है? नहीं, जिस वक्त वो पैसे के बारे में बात करता था या कभी इस तरीके की बात करता था कि पूरा पैसा जो पूरी जो प्रॉपर्टी है वो उसके नाम पर ट्रांसफर की जाए, तनिषा कभी आपको लगा हुआ ऐसा? जी हाँ, वो पैसे वगैरह लेने के बाद तो मेरा घर गांव में है जिसे भी वो अपने नाम पे कराने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था लेकिन नाकामयाब हो गया, इसकी सच्चाई मुझे पता चलते चली गई, इसलिए ये कुछ ऐसा नहीं कर पाया। मेरे गांव में मेरे बाबा वगैरह की घर वगैरह ना प्रॉपर्टी सुसे। ठीक, पिंकी चौधरी जी मेरे साथ हैं, हिंदू रक्षा दल की संयोजक भी हैं। पिंकी जी, आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो पूरे मामले हैं लगातार इनकी एक जो तादाद है वो एकदम से बड़ी है, या ये कहा जा सकता है कि अब इनके खुलासे होने शुरू हुए हैं, आखिर ये मामला है क्या, वास्तविकता ये है या फिर कुछ और है इसके उलट? नहीं नहीं, इसका तो आप ये मानिए कि ये तो पूरी धरती पर जो है इस्लामीकरण करना चाहते हैं, तो इसी वजह से हमारी
जो कम आयु की जो हमारी बेटियां हैं बहन हैं उन पे ये जाल एक तरीके से फैलाते हैं और उनको फंसाते हैं और फंसाने के बाद वो अपना जो है पूरा षड्यंत्र करते हैं, उस लड़की को जिस तरीके से भी वो इस्तेमाल करना चाहें वो इस्तेमाल करते हैं। उदित त्यागी जी, आप भी जो है समाज सेवा के तौर पर इस पर काम करती रही हैं, आपने जब इस पूरे मामले को कंसीडर किया या इस तरीके के जो मामले सामने आए हैं आपको क्या मिला, इसकी तह में क्या चीजें मिलती हैं? देखिए, इसमें दो चार चीजें बड़ी स्पेसिफिक हैं। 2004 से पहली बार लव जिहाद जैसे शब्द का प्रयोग शुरू हुआ और अब को जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि पूरे विश्व में लव जिहाद जैसे शब्द का प्रयोग होता रहा है कहीं ना कहीं। तो ये लव जिहाद को अगर आप देखें तो एक सुनियोजित षड्यंत्र के तौर पर हम लोग जानते हैं, जिसमें एक धर्म विशेष के लोग एक दूसरे धर्म की लड़कियों को, कोई भी दूसरा धर्म हो सकता है जिनका वो इस्लामीकरण या अपने धर्म में लाना चाहे, उनको पूरी एक साजिश के तहत उनको शादी के लिए पहले मजबूर करते हैं, फिर शादी होती है और उसके बाद जो है उनसे धर्म परिवर्तन की बात रखी जाती है। तो अगर आप इस पूरे मसले को देखें तो जड़ इसकी कहीं ना कहीं दो धर्मों का टकराव है पहली चीज, और जो एक उन्माद जिसे कहें, जिसे धार्मिक उन्माद हम एक शब्द का इस्तेमाल करें अगर इस पूरे मसले में, तो एक ये वो है कि आप अपने धर्म विशेष को बढ़ाने के लिए, उसे संस्कृति को प्रिजर्व करने के लिए, संरक्षित करने का हर एक को अधिकार है और हम लोग भी करते हैं, वो लोग भी करते हैं, लेकिन संरक्षण का तरीका क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने धर्म की अच्छी बातें सबको बताइए, दूसरे लोग उसको एक्सेप्ट करें, उसमें आए, एक अच्छी बात है। और हिंदुस्तान जैसे राष्ट्र में जहां की दो धर्मों में शादी को कोई मनाही नहीं है, अगर उस स्थिति में कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के के साथ शादी करती है तो मेरे ख्याल से हम में से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर हमारी बच्ची को ये नहीं पता है कि वो व्यक्ति जिससे वो शादी करने जा रही है वो वास्तव में वही आइडेंटिटी है, वो हिंदू नहीं है, मुस्लिम है, और बाद में पता चलता है, तो देखिए बुनियाद यहाँ पर एक महिला के शोषण की हो गई। यहाँ पर एक जिहाद के तौर पे तो आप ठीक है, आप फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, आप इस्लामीकरण करना चाह रहे हैं या इस तरह से आप अपने धर्म को संरक्षित कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप एक झूठ की बुनियाद पर दूसरे धर्म की लड़कियों का शोषण कर रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एकदम गलत तरीका है। और अगर अभी भी हम लोग इस पर संज्ञान में नहीं लेंगे तो 2004 से जब मामला रिपोर्ट होने शुरू हुआ, आज 2014 में हम लोग बैठे हैं, बताइए 10 साल में इस पर क्या हुआ है, बातें हुई हैं, सिर्फ चर्चाएं हुई हैं और इसको मसालेदार खबरों के तौर पर आप चैनलों पे देखिए, हर लोग, हर कम्युनिटी के, हमारे भी, दूसरे भी, और दूसरे भी जो भी इस पे बोल सकते हैं, पूरी तरह से मसले का राजनीतिकरण किया गया है, इसका सामाजिक समस्या का कोई सुधार करने का कोई पहल, कोशिशें नहीं हुई हैं। ये कहा जा सकता है कि जहां जांच होनी चाहिए थी उसकी जगह सिर्फ बहस हुई, सरकार की उदासीनता है। अगर धर्मांतरण हो रहे हैं तो उसमें सरकार का भी फर्ज, बिल्कुल संज्ञान लिया जाना चाहिए। कैप्टन साहब, आपसे जानना चाहता हूं, यहां जो अगर देखा जाए, यहां पर तनिषा का मामला भी हमारे सामने है, उत्तर प्रदेश में एक कतार में इस तरीके के मामले सामने आए हैं, जाहिर है सिर्फ एक व्यक्ति से जोड़कर इस मामले को नहीं देखा जा सकता है, बात सिर्फ तनिषा की नहीं है या उन लोगों की नहीं है जिनके मामले हाल ही में सामने आए हैं, चाहे उसमें शूटर तारा शाहदेव का मामला हो। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति जिसके अंदर धर्म को लेकर उन्माद है यह उसका मामला है या इसकी पूरी पीछे कोई चेन है? देखिए, ऐसा है कि किसी भी बीमारी का अगर इलाज करना होता है तो उसकी डायग्नोसिस पहले बहुत जरूरी होती है कि यह बीमारी का जो वायरस है वो क्या है, वायरल है, डेंगू है, क्या चीज है। अगर आपको इस इस्लाम के इस चेहरे को पढ़ना है तो आपको पहले इस्लाम को समझना पड़ेगा। इस्लाम एक ऐसा धर्म है, वह किसी भी दूसरी सभ्यता, दूसरे धर्म को कब्जा करने की उनकी जो साजिश है वो 7वीं शताब्दी से निरंतर चल रही है, और वो एक धर्म पुस्तक है कुरान, उसके आधार पर वो धर्म चलता है। उनका कोई एक महापुरुष हुए, उन महापुरुष ने कह दिया कि भाई मेरे बाद अब कोई दूसरा अवतार आएगा ही नहीं, ये एक किताब है जो अल्लाह के द्वारा मुझे बताई गई है, वो मैं तुम्हें देकर जा रहा हूं, इस किताब को तुम्हें फॉलो करना है। उस किताब के आधार पर हमारे यहां पर सहारनपुर में एक बहुत बड़ा देवबंद के अंदर बहुत बड़ा मदरसा है जिसमें पूरी दुनिया के बड़े से बड़े देश के जितने भी मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम बच्चे वहां पढ़ने आते हैं, हमारे देश के बच्चों से ज्यादा विदेश से बच्चे वहां पढ़ने आते हैं, ये आप सहारनपुर जाएंगे देवबंद में जाके आपको पता लग जाएगा। वहां से ये वहाबी मानसिकता है जो स्टार्ट होती है, उसमें जिहाद जो है वो एक पवित्र लड़ाई है इस्लाम के अनुसार, उनकी पवित्र पुस्तक कुरान के अनुसार, और हर मुसलमान का ये धर्म है कि वह जिहाद करे जिस भी कैपेसिटी में वो कर सकता है। जो लड़ने वाले लोग हैं वो लड़ेंगे, आतंक फैलाएंगे,
जो डायरेक्ट लड़ाई, जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान पे हमला करना चाहता है, जो वो लोग हैं वो वैसे हमला करेंगे, उससे पहले वो लोग देश में आतंक फैलाएंगे, देश को, हमारे देश को अस्थिर करेंगे, जो लोग नहीं लड़ सकते हैं वो लोग उनके लिए स्लीपर सेल बन के काम करेंगे, और जो उनके यंग लड़के हैं उनको बकायदा मस्जिदों में ट्रेनिंग दी जाती है, जुम्मे के दिन नमाज के बाद स्पेशली, आप इसको देखिएगा, बहुत क्लियर है, कोई साजिश नहीं है, कोई छुपाव नहीं है, किसी भी मस्जिद में चले जाइए, इस्लामिक क्षेत्र में जाइए, हिंदू क्षेत्र में जाइए, हर जुम्मे की नमाज के बाद अपने कैमरे लगाइए और सुनिए क्या तकरीर वहां पर होती है, क्या उस मस्जिद का जो इमाम है वो क्या सिखा रहा है अपने लोगों को। बिल्कुल, वहां पर यही शिक्षा दी जा रही है। बिल्कुल, समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक धार्मिक उन्माद की वजह से भी इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, और सवाल यह है कि अगर इस तरीके की तमाम चीजें हो रही हैं तो उन्हें रोका किस तरीके से जाएगा। 2004 से 2014 में हम पहुंच रहे हैं, लगातार इस तरीके के मामले एक कतार में सामने आ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि किस तरीके से उन लड़कियों को जो लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, जो तनीषा की तरह कहीं ना कहीं बेबस नजर आ रही हैं, अपनी जिंदगी जीने के लिए इस कठोर समय में भी मजबूर हैं, उन्हें किस तरीके से बचा जाए। एक ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। अगर लव जिहाद की बात की जाए या धर्मांतरण की बात की जाए तो इसके लिए बकायदा एक रेड कार्ड फिक्स है। ये आपको रेड कार्ड दिखा देते हैं कि आखिर क्या सिर्फ अल्पसंख्यकों में, सिर्फ हिंदू लड़की के साथ ऐसा किया जाता है। अगर हिंदू लड़की को धर्मांतरण उसका करवाया जाए तो उसका रेड कार्ड 5 लाख फिक्स है, यानी ब्राह्मण लड़की अगर हिंदू की होती है तो उसके 5 लाख दिया जाता है, हिंदू अगर क्षत्रिय लड़की है तो 4.5 लाख रुपए की इनामी राशि मिलती है धर्मांतरण करवाने पर। वहीं हिंदू की अगर एससी एसटी या ओबीसी से कोई लड़की है उसका अगर धर्मांतरण करवाया जाता है तो इनाम में 2 लाख, और जैन लड़की के लिए 3 लाख की राशि निर्धारित की गई है। ये वो रेट कार्ड है जो लव जिहाद के अंदर सामने आया है। गुजराती ब्राह्मण लड़की है तो उसके लिए 6 लाख रुपए, गुजराती अगर कच्छ की लड़की है तो 3 लाख रुपए इनाम में दिए जाते हैं लव जिहाद का धर्मांतरण के दौरान। सिख लड़की जो पंजाबी है उसे 7 लाख रुपए इनाम भी दिए जाते हैं अगर किसी सिख लड़की का धर्मांतरण करवाया जाता है। पंजाबी और हिंदू लड़की है तो 6 लाख रुपए इनाम में दिए जाते हैं लव जिहाद के अंदर। ईसाई रोमन कैथोलिक लड़की अगर है तो उसके लिए 4 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं। ये वो पैसा है जो उस लड़के को दिया जाता है जो धर्मांतरण करवाता है। ईसाई जो प्रोटेस्टेंट लड़की है उसे 3 लाख रुपए और बौद्ध लड़की के लिए 1.5 लाख रुपए की जो राशि है वो निर्धारित की गई है। ये वो पैसा है जो कहीं ना कहीं उन लड़कों को दिया जाता है जो अपना नाम बदलकर, धर्म बदलकर, या उस धर्म के बहाने एक नाटक करके लड़की को फंसाते हैं और अलग अलग धर्म की लड़कियों का धर्मांतरण करवाते हैं एक वर्ग विशेष के अंदर। सवाल ये है कि आखिर ये पैसा किसकी तरफ से फंड किया जा रहा है और इसके पीछे आखिर कौन है। तनीषा लेकिन मेरे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे तमाम मेहमान भी मौजूद हैं, और किस तरीके से तनीषा के साथ ये कोशिश की गई है लव जिहाद की धर्मांतरण करवाने की, एक व्यक्ति जिसने अपना नाम पहले राज तिवारी बताया और बाद में उसका नाम रोजुद्दीन निकला। तनीषा, अगर शुरुआत जिस तरीके से आपने बताई, किस तरीके से उसकी तरफ से कोशिश की जाती रही थी, आपसे जानना चाहेंगे अब जो है हालात कहीं ना कहीं दरवाजे जो हैं बंद नजर आते हैं, परिस्थितियां जो हैं काफी मुश्किल नजर आती हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस तरीके के हालातों के लिए कौन जिम्मेदार है? तनीषा, इन सब हालात के जिम्मेदार तो सिर्फ हम ही लोग हैं। आपको लगता है कि जिस जो राज ने या रोजुद्दीन ने किया उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए? हाँ, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। अगर उसको सजा नहीं मिलेगी तो बाकी मुसलमानों को बहुत ज्यादा हिम्मत हो जाएगी और मुझ जैसे लड़कियों को फिर जीना मेरे जैसे मुश्किल हो जाएगा। धर्मांतरण के बारे में बता रही हैं कि आपके ऊपर प्रेशर बनाया जाता था, किस किस तरीके से आपको कहा जाता था रोजुद्दीन की तरफ से? ये रोजुद्दीन मुझे जाति बदलने के लिए बोलता था, अगर बोलता था कि मुसलमान हो जाओगी जिससे बच्चे होंगे सब कुछ अच्छा होगा, और मैं जाति नहीं बदलना चाहती थी तो मेरे बच्चे को भी उसने मार दिया। हिंसा करने की कोशिश की जाती थी आपके साथ? मेरे बच्चे को भी इसने मार दिया, बोला कि हिंदू बच्चा बनके पैदा नहीं हो सकता है, मुसलमान रहेगा तभी अच्छा रहेगा। और रही बात
तुम जैसे लड़कियों की, तो तुम जैसे 100-100 लड़कियों को तो मैं जेब में रख के घूमता हूँ, हिंदू के लड़कियों को, उन्हें लाना, यूज करना, फेंक देना, उनकी संपत्ति लूटना या उन्हें मुसलमान में कन्वर्ट कर लेना। तनिषा, जो आप बता रही हैं आपके बच्चे के साथ ऐसा किया गया, क्या कहा गया कि वो जन्म नहीं लेगा? आप गर्भवती थी उस वक्त? जी हाँ, मैं गर्भवती थी उस वक्त, तो इसने मेरे बच्चे को पेट में ही मार दिया। क्या किया गया आपके साथ? एक बार तो सीढ़ी पे से मुझे धक्का दे दिया था, जिसके वजह से मैं गिर, जिसके वजह से मेरा बच्चा खराब गिर गया, नहीं जिस सीढ़ी पे से गिर गई थी, और फिर दोबारा भी था, तो उसने दोबारा पता नहीं कैसे क्या किया, मुझे भी नहीं मालूम इसके बारे में, मेरा बच्चा अपने आप ही गिर गया। और डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने भी मुझे झूठ बोला, कि बोला कि भी बच्चा नहीं खराब, वो मुझे उल्टा इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगाते रहे, लेकिन सच तो ये था कि मेरा बच्चा खराब हो चुका था। ये रोजुद्दीन ने बोला कि मैं जानबूझ के ये सब किया हूँ, कि हिंदू जाति में तो बच्चा नहीं पैदा होना चाहिए, ये बच्चा होता तो मेरी धर्म में होगा तो ही कर। तो आपको बच्चे के जन्म से पहले आपका धर्म परिवर्तन करवाने की बार बार कोशिश की जा रही थी? हाँ। हिंसा होती थी आपके साथ? हाँ, बहुत ज्यादा मारपीट भी बहुत ज्यादा घर के अंदर करता था, कभी आए दिन दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा आतंक अरवे फैला देता था। मैंने बहुत बहुत मदद लेने की पुलिस को, पुलिस वाले ने मेरी कुछ भी मदद करते ही नहीं थे, और आए दिन घर में मारता था, गोली चलाता था, कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करूं, कहीं से भी इंसाफ नहीं मिलता मुझे। आपने जब पुलिस में शिकायत की, पुलिस की तरफ से क्या रेस्पॉन्स रहा? आपने जिस तरीके से FIR लिखवाने की कोशिश करी? तब पुलिस ने तो FIR पहले तो दर्ज नहीं की, बहुत मुश्किल से अगर दर्ज भी की तो रोजुद्दीन से मिल गई पुलिस, जिसके वजह से ना तो ये अरेस्ट हुआ ना तो कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा मैं ही हार गई। इतनी कोशिश के बावजूद भी अभी 1 साल से ज्यादा हो गया मैं घर के अंदर पैक हूँ, घर से बाहर निकलती हूँ तो एक्सीडेंट कर देता है, गाड़ी लेके चलता है उससे धक्के मार देता है, और ऐसा लगता है कि घर मेरा मेरे लिए ही जेल बन गया है, रोजुद्दीन जैसे इंसानों से डर के। अभी कहाँ रहती हैं? अपनी माँ के पास रहती हैं? जी हाँ, शालीमार गार्डन में रहती हूँ, माँ के साथ रहती हूँ अपने। और आपको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता? नहीं, घर से बाहर नहीं निकलता, तो एक डर मन में से, घर में माँ बैठी रहती है तो एक डर उन्हें सताता है कि कब कहाँ मेरी बेटी को कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी कोई मदद नहीं कर पा रहा है। तनिषा की माँ भी हमारे साथ है, माँ जी आपसे भी जानना चाहेंगे, आखिर इस तरीके का पूरा मामला आप लोगों के सामने आया, आपको अपनी लड़की के बारे में पता चल रहा था, आप लोगों ने क्या किया? इसके बाद हम लोग उसका पुलिस का मदद ली, पुलिस वाले कुछ नहीं किए, FIR लिखवा रही थी तो वो भी नहीं लिख रहे, IG DIG के पास गए, फिर इसके बाद तब रिपोर्ट हुई हमारी, इसके बाद ये रिपोर्ट होने के बाद में ये दरोगा जो है क्या किए, 10 दिन जेल में था, 10 दिन जेल में कुरैशी दरोगा क्या किए, लिख के दे दिए कि कुछ नहीं है, इसको रिहा कर दिया जाए, और फिर इसके बाद कोई वो नहीं हुआ सोल्यूशन, जब नहीं निकला तो हमें पिंकी भैया का साथ लेना पड़ा। पिंकी भैया का जब मैंने साथ ली तो हमें ऐसा लगा कि हमें कुछ इंसाफ मिलेगा, कुछ मदद मिलेगी। ठीक, पिंकी चौधरी जी, आप जिस वक्त ये आपके पास ये लोग आए, और शुरुआत में उन्होंने बताया होगा आपको किस तरीके से उन्होंने पुलिस की मदद भी लेनी चाहिए या क्या कुछ उनके ऊपर बीत रही है, शुरुआत में अगर बात की जाए तो जाहिर है इस तरीके के मामले में हमारे पास कानूनी पहलू क्या बचता है? कानूनी पहलू तो आप ये मानिए कि आज उत्तर प्रदेश में मुलायम राज है, ये बिल्कुल गुंडा राज है, और इन्होंने पूरा इस्लामीकरण करने का काम, इन्होंने एक पेड़ में खाद का काम किया है इस सरकार ने। और आप, मैं तो एक बात कहता हूं कि जिस तरीके से हमारी लड़कियों पर षड्यंत्र कर रहे हैं, और ये लड़कियां इतनी डर में हैं, इतनी भय में हैं, जिस समय मैं इनके घर गया तो इनको इतना डर था, इतना इनको खौफ था कि ये लोग बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने कहा मैं बैठा हूं, आप निश्चिंत रहिए, आप चिंता न कीजिए आप, लेकिन ये मुझे कुछ मानी नहीं रही थी, ये तो मुसलमानों से इतना खौफ, ये सरकार की देन है मैं आपको बता दूं, और हमारी लड़कियां इतनी तेजी से जाना, और हम लोग इतना भ्रामक प्रयास कर रहे हैं, करीब 10 साल हो गए हमें जो है काम करते करते, और 10 साल में स्थिति आज ये है कि हम ये सोच रहे हैं
कि हम अपनी बेटियों को बहनों को किस तरीके से बचा पाएंगे। और जो भी लड़की मुझे तो बुरखे में दिखाई देती है तो मैं तो यही सोचता हूं इस बुरखे के अंदर कहीं ना कहीं मेरी बहन बेटी है। अब मैं क्या करूं और क्या नहीं मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल ठीक उदिता त्यागी जी, अगर देखा जाए ये पूरे जो मामले सामने आए हैं, जैसे पहले भी मैंने कहा कि एक ना कहीं एक कतार में एक साथ सामने आए हैं, क्या अब तक जो लोग अब तक जो बहसें चलती रही हैं उसमें यह कहा गया है कि प्रमाण नहीं है? अगर हमारे सामने तनीषा है या तारा शाहदेव का मामला है तो हम किस प्रमाण का इंतजार कर रहे हैं? देखिए आप इसमें अब ये समाज का कोई भी स्तर इससे अछूता नहीं है। पहली बात ये कि तारा एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला है, अगर वो इससे नहीं बच पाई तो ये तो बेचारी बच्ची है, इसको बहलाना फुसलाना एक थोड़ा आसान काम है। अगर वही इसमें फंस जाती है तो फिर समझिए आपकी वास्तव में साजिश का जो स्तर है वो बहुत ऊंचा है अगर इस हिसाब से चल रहा है। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या, अगर ये सामने साथ में आपके बैठी हुई है तो इसमें आपको अब किसी प्रमाण की आवश्यकता है, कहना बेवकूफी है। दूसरी बात ये है कि अगर महिलाओं को और खासतौर पे अपनी बच्चियों को जब तक इस पूरे संदर्भ में ये नहीं समझाया जाएगा कि अपने धर्म की क्या विशेषताएं हैं और क्या धर्मांतरण के बाद उनके साथ हो सकता है या क्या होगा या किस प्रकार का जीवन उनको आगे व्यतीत करना पड़ेगा, तो हो सकता है ये कारगर पहलू हो। दूसरी बात ये कि आपको बहुत संवेदनशीलता के साथ ये सारे मामलों को हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि जो इस वक्त की सरकार है कहीं ना कहीं उसका संरक्षण इन लोगों को प्राप्त है, ये आप मान के चलिए। क्योंकि मेरठ कांड में इतना बवाल होने के बावजूद, सारा कुछ होने के बावजूद, फाइनली आपके हाथ कुछ नहीं लगता, फाइनली आपको पता चलता है कि कुछ हुआ ही नहीं है, उस लड़की को कुछ आप आगे की कोई वो नहीं देख पाते, कार्रवाई नहीं जाती है और कहीं ना कहीं सब सब दबा दिया जाता है। तो आप इसे संरक्षण कहिए, बिल्कुल इसे सरकार का संरक्षण प्राप्त हो रहा है अप्रत्यक्ष रूप से। तो अब हमारे पास तो सिर्फ विकल्प ये बचता है कि हम अपनी बच्चियों को संभालें, बिल्कुल, और जब हमें अपनी बच्चियों को संभालना है तो हमें उन्हें दोनों धर्मों की बुराई और अच्छाई बताने का फर्ज बनता है, बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। और ये जरूर ऐसा होना चाहिए कि वो तमाम लड़कियां जो इस तरीके के मामलों में कहीं ना कहीं गुजरी हैं या जिन पर इस तरीके के मामले हुए हैं वो सामने आए और अपनी आप इसमें मेरा एक और सुझाव है इसमें एक मेरा और सुझाव है कि इनके रिहैबिलिटेशन का काम किया जाए, इनको दोबारा बसाया जाए। कुछ हिंदू लड़के सामने आए जो इनसे शादी करें दोबारा, तो एक ही पहल होगी, इन्हें लगेगा कि इनके धर्म में इनके लिए जगह है। मैं एक केस देख रही थी थोड़े टाइम पहले, एबीपी न्यूज पे आ रहा था, उसमें एक लड़की को कोई ले गए, मतलब इसी तरह से वो चली गई वापस आई तो एक हिंदू लड़के ने उससे शादी की, और ये केस सहारनपुर का है। तो अगर इस तरह के केसेस हैं और ये बढ़ते हैं तो हमारी लड़कियों में कहीं ना कहीं विश्वास आएगा, और शादी भी अगर नहीं हो पा रही है तो इनको एक सम्मानित जीवन मिले, इसको मुंह ढक के बैठने की जरूरत ना पड़े। ये कहा जा सकता है कहीं ना कहीं हौसला आएगा कि वो उन पर जो बीत रही है, जिस डर से ये सामने नहीं आ पाती है कि उन्हें समाज का डर होता है और शायद आगे की जिंदगी का, कि वो जिंदगी उच्च स्तर पर शोषित महिलाएं हैं, इनका हमें दोबारा से इनको बसाना पड़ेगा, ये हर तरह से टूट चुकी है। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी हमारी है और लोगों को कहीं ना कहीं और समाज को आगे आना होगा ऐसी महिलाओं के लिए, उनकी पहले इनको हे दृष्टि से देखना बंद करना होगा, दूसरी बात इनकी गलती माफ करनी होगी, ये बच्चियां हैं इनसे गलती हुई है और तो इनको माफ नहीं कहा जा सकता है। इनको अपनाना पड़ेगा, गलत नहीं है, गुनाह नहीं है, प्यार करना गुनाह नहीं है। शादी अगर वो इस तरीके से बहला फुसला कर उनके साथ की गई तो इसमें कोई गलती नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है, उनके साथ एक साजिश रची गई और उसका वो शिकार। इनको खुले दिल से माफ करके, बिल्कुल खुले दिल से माफ करके उन्हें कहीं ना कहीं हमें जगह अपने समाज में एक बार फिर से देनी होगी। कैप्टन साहब, अगर देखा जाए तो आज भी यहां पर राज तिवारी जिसका नाम कहा जाए या रोजुद्दीन कहा जाए, आज भी खुले आसमान के नीचे घूम रहा है। जिस तरीके से यहां पर तनीषा ने बताया, उनकी मां ने बताया, वो लगातार पुलिस से गुहार लगा रही थी, लेकिन पुलिस अब भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, सबूत मांगे जाते हैं और कहीं ना कहीं प्रताड़ित तनीषा जैसी लड़कियों को होना पड़ता है। सवाल यह है कि कार्रवाई करेगा कौन? देखिए, अब हमारे को समाज को जागना पड़ेगा। आज हमारा समाज थोड़ा सा, पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस समस्या को आज उठाया है, मगर यह समस्या इतनी छोटी नहीं है, इसकी गहराई में हमें घुसना पड़ेगा, बहुत गहरी समस्याएं हैं। उन लोगों को यह सिखाया जाता है, 90% मुस्लिम आबादी गरीबी की रेखा के नीचे है, वो लोग अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, उन्होंने कभी किसी ने कुरान नहीं पढ़ी, कभी किसी को कुछ नहीं पता। इन लोगों को, इनमें केवल 10% लोग हैं मुस्लिम समाज में जो पूरे समाज का अपने इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई तुम बड़े शबाब का काम करोगे अगर तुम एक हिंदू लड़की को मुसलमान बनाओगे, तुम बड़े उससे भी ज्यादा शबाब का काम करोगे अगर तुम उसकी जो जमीन जायदाद है दौलत है वो हथिया लोगे, उससे भी ज्यादा शबाब का काम करोगे जब तुम उसको इस्लामीकरण में लाके उससे बहुत सारे बच्चे पैदा करोगे। ये सारे
मगर हमारा समाज हमारी बच्चियों को हमारी लड़कियों को ऐसी कोई बात नहीं सिखाता, वो तो अपने घर में उसको कैसे रहना चाहिए हम लोग वो भी नहीं सिखाते। मुस्लिम लड़कों से दोस्ती करनी है नहीं करनी है इस बात पे तो हमारे घरों में कभी चर्चा ही नहीं होती है। ये बातें आज हमारे समाज के लोगों को समझने की जरूरत है। उससे भी बड़ी एक बात मैं आपके सामने टीवी चैनल पे आज कहना चाहता हूं कि हम लोग बार बार हिंदू 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 की बात करते हैं, क्या हम में से कोई जानता है कि भारतीय संविधान के अनुसार हिंदू है कौन? कोई नहीं जानता। हमारा संविधान यह कहता है कि वे लोग मुसलमान ईसाई बौद्ध इन्हें छोड़ के बाकी सब लोग हिंदू हैं। यह भारत के संविधान में हिंदू की परिभाषा लिखी हुई है, आप भी पढ़ सकते हैं। परंतु क्या हम मानते हैं? मैं कह रहा हूं मैं ब्राह्मण हूं, ये कह रहे हैं मैं जाट हूं, वो कह रहे हैं हम त्यागी हैं। मगर एक ऐसा समुदाय है जो कम से कम 25% की आबादी लेकर इस देश के अंदर चल रहा है, एक धर्म का मानने वाला, एक किताब का मानने वाला। कोई भी हमारे अंदर कोई जाति कोई समुदाय, चाहे ब्राह्मण आप कह लो, चाहे जाट कह लो, चाहे ठाकुर चाहे त्यागी, किसी की इतनी आबादी नहीं है। 25% आबादी एक समुदाय की हिंदुस्तान के अंदर नहीं है, इसका मतलब ये अल्पसंख्यक नहीं है, ये मेजोरिटी के अंदर है। और जो हमारा समाज, जो मुलायम सिंह की सरकार इनको सुरक्षा दे रही है, जो हमारे देश के जो केंद्र में सरकार बैठी थी वो भी इनको उतनी सुरक्षा देती थी, ये सब हटना चाहिए और हमारे समाज को जागना चाहिए। हम अपनी बिल्कुल समाज की, समाज का कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व जरूर बनता है इस तरीके के मामलों में। पिंकी चौधरी, अगर देखा जाए, अगर यहां पर एक उदिता जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि अगर हम इन पूरे मामलों को रोकना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं पुनर्वास की भी कोशिश करनी होगी। इस तरीके की जो महिलाएं हैं या लड़कियां हैं जो इस तरीके के मामलों का शिकार हुई हैं, उनके बारे में भी हमें सोचना होगा। जाहिर है जो लोग इस तरीके के कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं उनके बारे में भी जरूर सोचा जाना चाहिए कि उन्हें किस तरीके से हमें हैंडल करना है, उन्हें किस तरीके से सजा दिलवानी है। लेकिन यहां पर भी समाज के एक तबके का या समाज का कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व बनता है, वो कोशिश कौन करेगा, कैसे शुरुआत होगी? हम लोगों ने इसकी शुरुआत की हुई है और हम लोग इसे इसमें बहुत कहीं हद तक हम कामयाब भी हुए हैं। और जो इस तरीके की लड़कियां हैं, मैंने तो इनके घर में जाकर भी मैंने इनसे कहा था आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, और मैंने कहा ये सिंदूर लगाए हुए थी लड़की, और मैंने कहा तुम्हें इतने गंदे आदमी का सिंदूर तो तुम्हें लगाना ही नहीं है, और मैंने इनसे कहा आप ये मानिए आप बिल्कुल सुरक्षित हैं और हर तरीके से आप पवित्र हैं, आप जो है मैं आपकी शादी का जिम्मा मेरा है और मैं आपको बहुत अच्छे सही अच्छे लड़के से अपने हिसाब से, क्योंकि हम संगठन चला रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों ने करीब काफी संख्या में हमारे पास युवा हैं, तो मैंने कहा आपकी शादी भी हम कराएंगे। और रही बचाने वाली बात, अब लड़कियों को जागरूक करने का काम हम लोग कर रहे हैं, जैसे लव जिहाद पे जैसे आपने चलाया है ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद मैं अंदर से दे रहा हूं कि इस तरीके का आप लोग काम कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा काम है, क्योंकि हम लोग भी लव जिहाद के पे जो है ये पंपलेट वगैरह बांटने का काम हम लोग कर रहे हैं और अपनी लड़कियों को जागाने का काम कर रहे हैं। इसी में आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, हम लोगों ने अब ये नवरात्रे आ रहे हैं तो हर जगह घर घर कीर्तन होंगे, हर घर घर में जो है जागरण भी लोग करते हैं, हम लोगों ने 20 महिलाओं की टोली बनाई है जिसमें इसका भी नाम है, तो हमने इन लड़कियों को सबको समझा करके सिखा करके जो गड़बड़ आप लोगों के साथ हो गई है वो किसी हमारी दूसरी लड़की के साथ नहीं होना, साथ ना हो, बिल्कुल एक जागरूक अभियान चलाने की जरूरत है। एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दें जी। तो मैं इसीलिए हम उन लड़कियों के साथ अपनी बेटी, मेरी दो बेटियां हैं, मैं खुद अपनी बेटी उनमें रखूंगा और उन बेटियों के साथ इन बेटियों को भी सबको लगा करके और हम लोग जो है जागरूकता का अभियान शुरू करेंगे और इतनी जबरदस्त जागरूकता करेंगे और किसी मुसलमान लड़के ने ऐसे धर्म परिवर्तन करके, हम तो नाम पूछ करके पहले से ही कार्रवाई कर रहे हैं और अब तो हम बैठेंगे ही नहीं, और पूरा काम हम जागरण से और इस तरीके से हम काम शुरू करेंगे कि लड़की को बहकाना अब आसान नहीं होगा। बिल्कुल कोशिशें होनी चाहिए और कहीं ना कहीं जागरूकता जरूर होनी चाहिए उन तमाम लड़कियों के बीच में जो इसका शिकार हो चुकी हैं, वो सामने आए और आगे इस तरीके के मामले सामने ना आए। तनिषा के माँ भी हमारे साथ हैं। माँ जी आप क्या चाहती हैं, क्या किया जाए, अब किस तरीके की आप उम्मीद कर रही हैं, सरकार क्या करे, कानून व्यवस्था क्या करे? कि आप लोग से मिली हूँ तो यही उम्मीद कर रही हूँ कि हमें मिलेगा सच्चाई, हम सच पर हैं तो सच्चाई हमें मिलेगी। पिंकी भैया साथ हम लोग जब पाए हैं तब से हम लोग सीना ऊंचा करके घर बसे रहे हैं। आप लोगों से उसकी एक बार बातचीत हुई है उसके बाद जब से आपकी पिंकी चौधरी के संपर्क में आप आई हैं या सुदर्शन न्यूज से जब से आपने संपर्क किया है उसके बाद आपकी बातचीत हुई है? किससे? रोजुद्दीन जिसे आप बता रहे हैं, राज तिवारी से आप बता नहीं, रहे हैं? नहीं नहीं, 2 साल हो गए कोई संपर्क नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। अब बच्चे, एक बात और हम कहना चाहते हूँ जी,
जब ये बच्ची के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है तो हम तो कहेंगे जब हमारा साथ सब छोड़ दिया तो पिंकी भैया ने हमारा साथ पकड़ा है तो हम तो यही सोचेंगे कि हम जीतेंगे। चलिए तनिषा, इतना वक्त गुजर चुका है, क्या आज भी राज तिवारी के लिए कुछ बचा है या आप समझती हैं कि वो आपके हस्बैंड हैं या क्या इस तरीके की कोई फीलिंग बची है या आप सिर्फ ये चाहती हैं कि आपको अब न्याय मिले? तनिषा, मेरे दिल में कोई भी अब ऐसी कोई भी फीलिंग्स नहीं है कि उससे प्यार हो या मेरा हस्बैंड हो उसके लिए, बस मुझे सिर्फ अब एक ही बचा है कि इसे इस तरीके की सबक सिखाऊं ताकि 99 लड़कियां को ये जेब में न रख सके। और अगर मुझे जो भी मेरे बहने वगैरह जो भी मुझे सुन रहे हैं देख रही हैं तो बस उनसे सिर्फ मैं ये प्रार्थना करूंगी कि इन मुसलमान के लड़कों से सावधान रहें और कोई भी डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचें, मुझ जैसी गलती कभी ना करें। बिल्कुल तनिषा, उन तमाम लड़कियों को जो कहीं ना कहीं इस तरीके के मामलों का शिकार हो सकती हैं या उनके साथ अगर कोई भी अपने जीवन का इतना बड़ा फैसला लेना चाहता है तो उसे सोचने के लिए कह रही है। और जाहिर है यहां पर हमें दाद देनी होगी तनिषा की हिम्मत की और उसके प्रोत्साहन की कहीं ना कहीं कि किस तरीके से वो सामने आई है और अपनी बात उसने सामने रखी है। कैप्टन साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि आप एक ऐसी डिबेट रखें जिसमें इस्लाम के जो स्कॉलर्स हैं इनके मौलवियों को बुलाएं, हम लोग भी उसमें आएंगे, हम उनसे विवाद करना चाहते हैं कि वो फतवा जारी क्यों नहीं करते अपने समाज के लोगों को कि क्यों जा रहे हैं हिंदुओं की लड़कियों के पास में, अपने समाज में शादी करें। और अब हिंदू समाज जाग चुका है, ये बातें अभी तक ढकी हुई थी, कोई इन पे बात नहीं करना चाहता था, समाज के अंदर तो ये बात बहुत ज्यादा फैली हुई थी, नीचे के लोग तो जानते थे मगर ये न्यूज चैनल पे नहीं आ रही थी, लोग बात नहीं करते थे। अब उन लोगों को एक वार्निंग चेतावनी भी होनी चाहिए कि अगर तुम लोग नहीं सुधरोगे तो जवाब बहुत भारी पड़ेगा। बिल्कुल, तो एक ऐसी डिबेट आप चालू कराएं, उनको बुलाएं, हम उन्हें पहले प्यार से समझाएंगे कि इस तरीके से जो धर्मगुरु हैं या वो अल्पसंख्यक समाज से हो उन्हें भी आमंत्रित किया जाए और एक यहां पर बहस की जाए। तनिषा, आपसे जानना चाहता हूं, आप कह रही हैं कि कहीं ना कहीं जो लड़कियां हैं वो अपने लिए सिक्योरिटी रखें या इस तरीके के मामलों से बचे अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, आप किस तरीके की एक सलाह या एक मशवरा उन तमाम लड़कियों को देना चाहेंगी, किस तरीके की परेशानियों से किस तरीके से उन्हें अपनी सिक्योरिटी करना चाहिए? किसी से बात करने से पहले, उनसे कोई भी रिलेशनशिप करने से पहले वो उन्हें उनसे बात करें, उनके पूरे बैकअप जानने की कोशिश करें कि वो है क्या, सच्चाई क्या है उसके। और वैसे भी मेरे ख्याल से तो हमारी फैमिली ही जो हम लड़कियों के लिए करती है वही अच्छा होता है, खुद से कुछ भी करना मेरे जैसे ही उल्टा होगा। क्या वो तमाम लड़कियों कहना चाहेंगी कि जो परिवार आपको कह रहा है उनके कहे अनुसार चलें और अगर इस तरीके कोई मामला हो जाता है तो सामने आए? हाँ बिल्कुल, अगर कभी मेरे जैसे कोई भी घटना हो जाती है 1% के लिए, वैसे तो उम्मीद है कि मुझे कि जो मुझे देख रही मेरी बहनों तो आगे से हिम्मत करेंगी कि वो ऐसे ऐसे चंगुल में ना फंस पाए, और 1% अगर वो फंस भी जाती हैं तो मैं तो यही कहूंगी कि वो सामने आके सारी बातें बताएं ताकि फिर कोई दूसरा और ना फंस पाए उनसे। बिल्कुल, समझा जा सकता है कि तनिषा के ऊपर किस तरीके के हालात इस वक्त हैं और किस दर्द से वो गुजर रही है और उसकी कहीं ना कहीं गुहार है उन तमाम लड़कियों के लिए जो इस तरीके के मामलों में फंस चुकी हैं, वो सामने आए और वो तमाम लड़कियां जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रही हैं, तनिषा को देख रही हैं, वो समझें कि किस तरीके के हालात हो सकते हैं तो वो सावधान रहें, चारों तरफ निगाह रखें और अपनी चौकसी बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय।